नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आ। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला, तो आज सवेरे सवेरे मैं देखिए कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। 9:30 बजा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा आधा किलो कटहल है, इसको मैंने इस तरह के पीसों में काट लिया है। ये देखिए, और ये मेरे मसाले हैं, ये जीरा है, हल्दी है, नमक है, धनिया है, ये गरम मसाला है, तेज पत्ता, काली मिर्च, और ये दालचीनी, और ये हींग, और ये देखिए ये मेरा प्याज है, और ये देखिए ये मेरा लहसुन है। तो अब चलते हैं हम सब्जी बनाने। तो देखते हैं, कुकर चढ़ाते हैं इधर, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले, ये देखिए, एक पिंच हींग डाल देते हैं, और हींग के साथ ही इसमें डालेंगे जीरा, और अब डाल देंगे ये देखिए, ये हींग जीरा हमारा ये तड़क गया। अब इसे कटहल डाल देते हैं। अब इस कटहल को इसमें हल्का हल्का हम फ्राई कर लेते हैं। और एक चीज़ ये देखिए, मैंने ये इतना कटहल बचा लिया है, ये इसको हम शाम को पकौड़ी बनाएंगे। आप जानते होंगे कोरवर कटहल बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो ये देखिए, इसके कोए हम डाल देते हैं। ये देखिए, इधर कटहल बहुत अच्छा वाला आता है, ये देखिए, बड़े कोए का नहीं है, बहुत छोटे छोटा कोया है इसका, ये बहुत टेस्टी कटहल ये बनेगा। तो ये इतना मैंने रख लिया है। अब इसको देखिए भून लेते हैं, इसको भून के हम इसको निकाल लेंगे। तब तक इधर तैयार करते हैं हम मसाले। अब मसाले देखिए, हमारे लिए मसाले हैं, ये हल्दी है, नमक है, धनिया है, जीरा है, गरम मसाला है। तो ये मसाले हम एक में मिक्स कर लेते हैं, हल्दी, धनिया और नमक। कटहल में हम टमाटर डालते नहीं हैं, इसलिए हम नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है, इसको हम पानी डाल के घोल के रख देंगे। ये देखिए, ये मैंने घोल दिया है मसाला, और इसको हम ये इसको घोल के रख देंगे। जब तक हम इस मसाले को घोल के इधर रख देंगे 10 मिनट, जब तक हमारी कटहल टहल भून रही है, तो ये मसाले जो हैं इनका सबका रंग, स्वाद, सब कुछ इस पानी में मिक्स हो जाएगा। पहले गांव में हम लोग सिलबट्टे में पीस के बनाते थे, वो ज़्यादा अच्छा बनता था, लेकिन अगर हम सीधे सीधे कटहल में डालते हैं तो हमारा मसाला आधा जल जाता है, आधा रह जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा कटहल भून गया है, और ये भूनने से एक फ़ायदा होता है, थोड़ा तो ये 20% तक कुक भी हो जाता है, और इसमें बहुत अच्छी सी महक आने लगती है। हींग डाल दिया, हींग और जीरा, ये देखिए, कटहल में राई नहीं डालते हम लोग। ये देखिए, दोबारा मैंने तेल चढ़ा दिया, इसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाला, और ये कटहल ये देखिए, ये भून के मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, अभी मसाला मेरा पक रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे इसी समय ये तेज पत्ता, काली मिर्च, और ये दालचीनी के टुकड़े। ये देखिए, आज हम लोगों ने एक खरगोश पाला था, वो खरगोश पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, उसी में पूरा परिवार जुटा हुआ ढूंढने में। अब देखिए, तेल तो हम बहुत कम डालते हैं, इसलिए हमने तेल बहुत कम डाला हुआ है। अब इसमें ये देखिए, तेज पत्ता पक गया है, अब इसमें डाल देते हैं मसाले, और पानी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा प्लेट को धुल के पानी डाल देते हैं। इसको बहुत कम मसालों में सब्जी हमारी बनेगी। और इसे देखिए, थोड़ा 1 स्पून हम ये चिकन मसाला डाल देते हैं। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। ये देखिए, ये अब हम इसे भुना हुआ कटहल इसी में डाल देते हैं। दिमाग तो फेल हो गया, इस खरगोश गायब हुआ है, ना सब्जी बनाने में मन लग रहा ना कुछ। इतने प्यार से उसको हम लोग पाले थे, और रात में दरवाज़ा खुला रह गया, कुछ गेस्ट आ गए,
अब इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम तेल कम डालेंगे। अब ये ग्रेवी वाला पानी नहीं है, इसमें मसाला मेरा पकेगा। ये देखिए, अब इसको हम मसाले को थोड़ा पानी में पकाएंगे। ये ग्रेवी देखिए, आप अपने हिसाब से डालें, मैंने 2 कटोरी डाला है पानी। ये देखिए, अब इसमें हम लगा देते हैं प्रेशर। बाद में इसमें हम एक तड़का देंगे, तो जब तड़का लगाएंगे तब ये देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई, बड़ी अच्छी महक आ रही है। हाँ, ये देखिए कटहल की सब्जी हमने बना ली थी सिंपल सी। अब देखिए, बाद में हम एक इसमें तड़का लगाएंगे। सब्जी थोड़ा बच्चे भर की अलग निकाल दी गई है, अब अपने लोगों के लिए हम तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें डाल रहे हैं आलू ऑयल। आज मेरा एक खरगोश खो गया है, उसकी टेंशन में थोड़ा मन उलझा सा लग रहा है। तो ये देखिए, हमने इसमें तेल डाल दिया है, तेल थोड़ा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल रहे हैं देखिए 1 चम्मच जीरा। देखिए, अब जीरा जब तक तड़केगा तब तक देखिए मैं तो हाँ, ये देखिए, ये लहसुन है, ये लहसुन देखिए, ये कम से कम 6-7 जवा लहसुन है। तो आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जवा ही बोला जाता है, इसलिए हम जवा बोल रहे हैं। तो ये 6-7 जवा लहसुन है। अब इसको हम थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का भुनेंगे। देखिए ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये देखिए, ये पूरा 1 प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक चाप कर लिया है। अब देखिए, ये प्याज डाल रहे हैं। वैसे कटहल में मैंने थोड़ा हींग और सारे मसाले प्याज वगैरह डाल रखा था, लेकिन ये तड़के में डालने से थोड़ा कटहल की सब्ज़ी और स्वादिष्ट बन जाती है। और आज मेरा कटहल बहुत अच्छा वाला आया है, ये हरियाणा वाला कटहल है। तो ये देखिए, प्याज और लहसुन सारा ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए देगी मिर्च डालेंगे, वो भी इसलिए कि मुझे वीडियो बनाना है, नहीं तो मैं देगी मिर्च के इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब ये देखिए, थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिया है मैंने इसमें। अब देखिए, इसको हम भून लेंगे। ये थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी इसमें मसालों की, तो दूर तक रसोई में इसकी महक फैल जाती है। जैसे ही मसाले पक जाते हैं वैसे हमें एहसास होता है। देखिए, नमक डाल दिया है, तेल देखिए चारों तरफ से रिलीज हो रहा है। आज की सब्जी बहुत लाजवाब होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मिथिला जी की दुनिया को। ये देखिए, गैस मैंने स्लो कर दी है और इसको मसाले को ढक दिया है, क्योंकि ढक के पकाने से इसकी खुशबू सब इसके अंदर ही रहेगी। इसीलिए अब ये देखिए, तेल निकल रहा है किनारे किनारे से। ये आलू ऑयल मैंने इस्तेमाल किया। अब मैंने इसमें कटहल की सब्ज़ी डाल दी है, ये देखिए, जो मैं बना चुकी थी पहले। ये देखिए, थोड़ा 1 कटोरी में बच्चे भर का निकाल लिया है, बाकी मैंने तड़का लगा दिया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं तड़का। आप डालेंगे MDH का गर्म मसाला, थोड़ा गर्म मसाला जब भी डालें, सब्जी जब बिल्कुल रेडी हो जाए तब गर्म मसाला डालें। 1 उबाल आने के बाद गैस को बंद कर दें। वैसे भी मैंने गर्म मसाला डाल रखा था, खड़ा गर्म मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा और छोटी इलायची, इतना हमने डाल दिया था। ये देखिए, अब देखिए सब्जी रेडी है। ये तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़, बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, हम सर्व कर रहे हैं। ये तो आपको ये कैसा लग रहा, ये देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया डाल दीजिए। आज मेरे घर में हरी धनिया मिस है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये मेरा राइस है देखिए, और ये देखिए थोड़ा सा हरी धनिया रखी हुई थी, मिल गई है तो ये डाल दिया है। ये रोटियां हैं और ये चावल है और ये सब्जी, ये मेरे बेटे का खाना है।